आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मूला, और फॉर्मूला में आज बात करेंगे लॉजिकल फॉर्मूले की बात करेंगे। तो लॉजिकल फॉर्मूले से पहले हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस की। जैसे कि हमने 20 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, 45, 65, इस तरह से मैं देता हूँ। अब मुझे पता करना है कि ये जो नंबर्स है इसमें से कितने नंबर्स ग्रेटर देन 50 है। तो जनरली इसके लिए आप इफ फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन मुझे जस्ट चेकआउट करना है कि ग्रेटर देन 50 कितना है, तो मैं डायरेक्ट इस पे लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकता हूँ कि ग्रेटर देन 50 अगर होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं? वो होते हैं इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। दिस इज द लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर था कि मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस एंड डिवाइड एंड पावर, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर था। तो इसी तरह से हमारा ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। तो हम डायरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर यहां अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, इफ का फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ दैट इज ग्रेटर देन 50 तो यहां पे ओके, अदरवाइज पेंडिंग। तो सॉरी, तो यहां पे एक चीज को समझिए, जो आपका ये ओके जो दिख रहा है, ये आपका जो यहां पे दिख रहा है ना सर, ये यहां पे इसको ट्रू एंड फॉल्स चाहिए, यहां पे कंडीशन नहीं चाहिए। मतलब करने का मतलब है कि ये जो कैलकुलेशन है ये इंडिविजुअल है, हम इफ में इसको कंबाइन करते हैं। तो इफ फॉर्मूला है क्या, इस देखिए बताता हूं कि इफ जो है इसके तीन इनपुट्स है, पहला लॉजिकल टेस्ट, दूसरा लॉजिक वैल्यू ऑफ ट्रू, और तीसरा वैल्यू ऑफ फॉल्स। मतलब लॉजिकल टेस्ट पे अगर ट्रू हुआ तो वैल्यू ऑफ ट्रू को शो करेगा, लॉजिकल टेस्ट पे फॉल्स हुआ तो वैल्यू ऑफ फॉल्स को शो करेगा। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और हम यहाँ पे ओके करते हैं और यहाँ पे पेंडिंग करते हैं। अब देखिए, अगर G2 की वैल्यू ट्रू हुई तो फिर ओके को शो करेगा, G2 की वैल्यू अगर फॉल्स हुई तो फिर वो पेंडिंग को शो करेगा। अब फॉर्मूला आप लगाते हैं तो किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए इक्वल ब्रेस कीजिए और उस फॉर्मूले का पहला वर्ड लिखिए, नीचे आपका फॉर्मूले का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ऊपर नीचे सिलेक्शन के लिए आप एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो फॉर्मूला आपको सिलेक्ट करना है आप टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे, तो इस फॉर्मूला पे जो सिलेक्शन ले जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मूले का डेफिनेशन शो होगा, और जब सिलेक्ट कर लेंगे तो नीचे सिंटैक्स शो होगा। सिंटैक्स मतलब कि इसमें कितने इनपुट्स है, और इनपुट दो टाइप के होते हैं, पहला होता है रिक्वायर और दूसरा होता है ऑप्शनल। जैसे कि लॉजिकल टेस्ट रिक्वायर है, तो रिक्वायर है तो सबसे पहले कि रिक्वायर क्या होता है, मतलब कि इसके बगैर आप फॉर्मूला से बाहर नहीं निकल सकते हैं। रिक्वायर है कैसे पता चला, तो लॉजिकल टेस्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट या आम भाषा में हम लोग जो बड़ी ब्रैकेट कहते हैं उस बड़ी ब्रैकेट में नहीं है, इसलिए रिक्वायर है, मतलब कि देना ही पड़ेगा। दूसरा आप देखें, वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स ये आपका ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे तो काम चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शनल आप डालते हो तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं डालते हो तो फिर वो जो डिफॉल्ट रिजल्ट आता है वो डिफॉल्ट रिजल्ट आएगा। अक्षय जी, मोहन जी, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नो सर, एक ही थिंग है, मतलब जो ब्रैकेट में नहीं रहेगा तो वो ऑप्शनल है, अगर वो किसी लॉजिकल टेस्ट ऐसा आ गया नहीं नहीं तो कंपलसरी डेटा देना ही, तो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो ऑप्शनल है, उसको डालने की जरूरत नहीं है, डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं डालोगे तो डिफॉल्ट आएगा।
जो ब्राइट बल्ब जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट में नहीं है, इसका मतलब रिक्वायर है, वो आपको डालना ही पड़ेगा, उसके बगैर आप फॉर्मूला से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे देखिए ना, मैंने लॉजिकल टेस्ट नहीं डाला तो मुझे फॉर्मूला से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक आईडी ऑटो आईडी जनरेट करना चाहते हैं, और यहाँ पे और भी डेटा होगा कि आईडी, नेम और भी बहुत सारे एड्रेस वेड्रेस वगैरह बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैं मान लीजिए कि वन लिखता हूँ, और वन लिखने के बाद यहाँ मैं पूजा कर देता हूँ, राइट। और फिर यहाँ पे टू लिखूंगा, फिर दूसरा नाम लिखूंगा, दूसरा रिकॉर्ड लिखूंगा, मैं चाहता हूँ टू ऑटोमेटिकली आ जाए। यहाँ पे कर्सर लगाऊंगा कि इफ सामने वाली वैल्यू, सामने वाले सेल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है। अब ग्रेटर देन जीरो क्यों किया, क्योंकि एक्सेल में जो ब्लैंक सेल होता है, ब्लैंक सेल इक्वल टू जीरो होता है। तो ग्रेटर देन जीरो मतलब कि उसमें कोई फीचर्स, कोई वैल्यू डली हुई है, तो ग्रेटर देन जीरो। तो क्या हो, अपनी ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करे, अदरवाइज हमने इन्वर्टर कोमा को स्टार्ट किया और इन्वर्टर कोमा को क्लोज कर दिया, मतलब कि ब्लैंक्स नथिंग। और फिर इसको नीचे के तरफ हम ड्रैग कर देते हैं जहां तक आपको टाइप करना है। अब मैं जैसे नाम लिखूंगा, जैसे ओम लिखा, नीरज, हो गया सर। तो ये फॉर्मूला समझ में आया रक्षित जी, बिक्की जी? हाँ सर। ओके, अब इस फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम है। जैसे मैंने एक सेल छोड़ के यहां पे मान लीजिए कि मैं इंदर दे दिया, एंटर मारा, तो यहां एरर आएगा। आया सर एरर? एरर क्यों आया सर? विक्की जायसवाल जी, आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे सर? यहाँ A6 में कुछ भी नहीं है सर अभी, तो फिर एरर क्यों आएगा? मान लीजिए यहाँ भी तो कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ यहाँ पे देखिए A6 में कुछ भी नहीं है, A6 में ब्लैंक डला हुआ है, मतलब कि इन्वर्टेड कॉमा एंड ओपन, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है ब्लैंक टेक्स्ट को, टेक्स्ट को, और टेक्स्ट में किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं हो सकती। समझ गए? बिल्कुल, इसी दिक्कत हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देते कि इफ अगर सामने वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं यहां पे मैक्स का फॉर्मूला लगाता कि जहां पे फॉर्मूला लग रहा है उससे ऊपर वाले फॉर्मूले में प्लस वन कर दे, कॉमा ब्लैंक, और इसको F4 से फ्रीज कर दिया। अब देखिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या किया, ये क्या कर रहा है कि जहां पे फॉर्मूला लग रहा है वो वहां से अपनी ऊपर की वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला लगा रहा है, और उसमें प्लस करके नई आईडी निकाल रहा है। बनाया सर? यस। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूं, और नाम हो सकता है 3-4 बार रिपीटेड वी हो, तो उसके लिए इसको हम शॉर्ट करते हैं। यहां माय डेटा हैज ए हेडर पे क्लिक किया और शॉर्ट कर दिया। अब मुझे यहां पे जो सबसे पहला आता है उस पर यू लिखना है, और फिर उसमें बाकी सबको डी कर देना है।
तो मैंने किया कि यहाँ पे कंडीशन लगाया कि इफ अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाले वैल्यू से तो यहाँ पे डी आए, अदरवाइज यू आए। हमने बोला कि अगर सामने वाली वैल्यू बराबर है अपने ऊपर वाली वैल्यू से तो यहाँ पे डी मतलब डुप्लीकेट आए, अदरवाइज यू आए। तो यहाँ बराबर नहीं है इसलिए यू आया, और जब इसको हम नीचे तक ड्रैग करेंगे तो यहाँ देखिए क्या हुआ, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो फिर यहाँ पे यू आ गया। लेकिन इसके लिए डेटा शॉर्ट करना जरूरी है। उसी तरीके से मान लीजिए मैं ये नहीं, मैं सिक्वेंस देना चाहता हूँ कि 1 2 3 4 इस तरह सिक्वेंस देना चाहता हूँ, तो उस केस में भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इफ अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाले से तो यहाँ पे इसके ऊपर वाली वैल्यू प्लस 1, अदरवाइज 1 से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों आपस में बराबर नहीं है इसलिए 1 से स्टार्ट हुआ, और जब नीचे ड्रैग किया तो सिक्वेंस चिता गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो अगेन 1 से स्टार्ट किया, अदरवाइज ये बाकी सब में अपने ऊपर वाले में प्लस 1 कर रहा है। अगर इसका ऑपोजिट करो कि नहीं, जब मैं हर किसी को नाम को एक आईडी देना चाहता हूं 1, टू इस तरह से, तो उस केस में क्या करेंगे, यहां करेंगे कि इफ अगर अपने सामने वाली वैल्यू बराबर है अपने ऊपर वाली वैल्यू से तो इसको ऊपर वाला वैल्यू ही शो करना है, अदरवाइज ऊपर वाली वैल्यू में प्लस 1 कर देना है। तीसरा नंबर आएगा, ठीक है सर। दूसरा एक चीज हो गया, सीरियल नंबर मुझे कैलकुलेट तो करना है लेकिन मैं यहां पे लिख दिया कि मैक्सिमम 15, मतलब कि 15 से ऊपर सीरियल नंबर जनरेट ना हो। तो मैंने 1 लिखा और यहां पे दिया कि इफ अगर इसमें प्लस 1 करने पे, मतलब G5 में प्लस 1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन 15 होता है तो यहां पे ब्लैंक कर दो, अदरवाइज जो 1 प्लस करके जो नंबर चल रहा है उसी नंबर को चलने दो। फिर इसमें हमने क्या किया, जो हमारा i5 है उसको फ्रीज कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही 15 कंप्लीट होगा यहां पे एरर देगा 16 में, क्यों, क्योंकि वो ब्लैंक प्लस 1 नहीं कर सकता। तो यहां पे मुझे एरर को ब्लैंक में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इफ एरर का। देखिए इफ एरर में दो इनपुट होते हैं कि एक वैल्यू और दूसरा एरर, दोनों रिक्वायर है। मतलब कि अगर पहला फॉर्मूला एरर दिया जो आपने लगाया हुआ है तो वो दूसरे चीज को, या जो आपने फॉर्मूला वर्ड टेक्स्ट कुछ भी लिख रखा है उसको रिप्रेजेंट करेगा। और आपके सामने मैं इसको डबल नीचे तक ड्रैग कर देता हूं, तो मैं नीचे इसको कर देता हूं। अब मैं यहां पे करता हूं 20, तो 20 तक जाएगा, मैं करता हूं 10 तो 10 तक जाएगा। उसी तरह से मैं चाहता हूं स्टार्ट टू एंड, मैं बोलता हूं कि भाई 5 से 10 तक जाए। तो इसके लिए जो यहां स्टार्टिंग में जो हमने मैनुअल 1 लिखा है, इस मैनुअल 1 को इसको सिलेक्ट कर ले, राइट सर। अब बोलोगे सर इसकी क्या जरूरत पड़ती है, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए जो सीरियल नंबर का कंसेप्ट बताया उससे अपने ऑफिस वगैरह में इसका यूज करते, जैसे कल ही मैंने संडे को मैंने एक रिपोर्ट को ऑटोमेट किया था, उसमें मैंने इस्तेमाल किया था। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर मतलब क्या था कि हमारे पास दो डेटा था, पहला बाय का और दूसरा सेल का। मतलब कि यहाँ कंपनी जो कुछ बाय करती है बल्क में और फिर उसको जो है सेल करती है रिटेल में, ठीक है। तो यहां पे क्या था कि सबसे पहले बात यहां पे सीक्वेंस चाहिए, पे सेल में जितना है उतना है। तो यहां हमने काउंट इफ का फॉर्मूला लगा के 16 निकाल लिया और सेम फॉर्मूला यहां पे अप्लाई किया जो यहां देखिए दिख रहा है आपको सर,
इफ एरर इफ अगर बी सेवन बाकी और भी लगा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, ये फॉर्मूला को देखिए कि इफ एरर इफ बी सेवन प्लस वन इज ग्रेटर देन डी टू तो ब्लैंक हो जाए या बी सेवन प्लस ए हो जाए, तो इससे बेनिफिट हुआ हमारा काफी। और बाय में भी देखिए क्या था, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, जब आउटपुट में हम डेट डालते थे तो मुझे आउटपुट देखना चाहिए, तो प्रॉब्लम क्या था कि सेल में जो है यहाँ पे दो रेट्स है, 14 तारीख का दो सेल हुआ है, दोनों सेल में आप देखिए कि दो अलग अलग वेट है और दो अलग अलग रेट है, ये रेट है। तो अब कंपनी ने कहना था कि जो 3000 का वेट हुआ, 3000 ग्राम का वेट हुआ, तो आउटपुट में 3000 जैसे ही कंप्लीट हो यहां पे अलग रेट दिख जाए। तो इसके लिए हमने यहां, आप शायद नहीं दिख रहा है, मैं इसको अनहाइड करूं, तो यहां पे हमें सीक्वेंस नंबर दिया हुआ है, तो ये नंबर्स काम आते हैं, ठीक है सर। चलिए, तो आप जो है इफ फॉर्मूला के ऊपर मुझे 8 से 10 एग्जाम्पल बना के दीजिए, ठीक है सर। फिर कल हम आपको इफ फॉर्मूला में नेस्टेड इफ वगैरह कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे।